गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम क्लास फर्स्ट की ईवीएस बुक, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 लर्न किया था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। हमें यहाँ दिया हुआ है व्हाट डिड यू लर्न, क्या तुम जानते हो। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पिक्चर ऑफ टू फैमिलीज आर गिवन हियर, यहाँ जो है दो फैमिली की पिक्चर हमें दी हुई है। राइट वेदर दिस इज ए न्यूक्लियर फैमिली और ए जॉइंट फैमिली, यह एक दो फैमिलियाँ हैं, हमें यह पता लगाना है कि कौन सी न्यूक्लियर फैमिली है और कौन सी जॉइंट फैमिली है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जॉइंट फैमिली का मतलब होता है कि एक बड़ा परिवार जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल, आंट और कजन्स होते हैं, वह फैमिली हमारी कहलाती है जॉइंट फैमिली। तो यह जो फैमिली है हमारी, यह जो पिक्चर से दिखा रखी है, यह है हमारी जॉइंट फैमिली। जॉइंट जे ओ आई एन टी एफ ए एम आई एल वाई, जॉइंट फैमिली। उसके पश्चात और नेक्स्ट पिक्चर जो है वह इसमें हमारे तीन मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो थ्री मेंबर्स जो होते हैं जिसमें फादर, मदर और चिल्ड्रन हैं, तो यह जो फैमिली रहेगी, यह फैमिली है हमारी न्यूक्लियर फैमिली, एन यू सी एल ई ए आर, न्यूक्लियर एफ ए एम आई एल वाई फैमिली। यह जो फैमिली है, यह फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली। क्वेश्चन नंबर बी हमारे दिया हुआ है माई फैमिली, मेरा परिवार। तो आपको आवर परिवार, आपके परिवार से संबंधित यहाँ लिखना है कि देयर आर मेंबर्स इन माई फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके परिवार में फाइव स्टूडेंट्स हैं, तो फाइव अगर मेंबर्स हैं तो आपको यहाँ लिखना है फाइव मेंबर्स। उसके पश्चात माई फैमिली इज ए फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। अगर आप फाइव सदस्य मेंबर्स अगर यहाँ लिख रहे हो, तो आपकी जो फैमिली है वह फैमिली है जॉइंट फैमिली, जे ओ आई एन टी, जॉइंट फैमिली। उसके पश्चात ऑल फैमिली मेंबर लव एंड टेक ऑफ वन अनादर, आपकी फैमिली से आप सभी एक साथ मिलजुल कर प्यार करते हैं और देखभाल करते हैं, तो यहाँ आएगा हमारे केयर, सी ए आर ई, केयर मीन्स देखभाल करना। सी ऑप्शन जो दे रखा है, क्वेश्चन है हमारे आई हेल्प माई फैमिली बाई, हम हमारी फैमिली की सहायता करते हैं। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन द गिवन बॉक्स, यहाँ जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो तीन ऑप्शन आपके जो सही है उस पर जो है आपको क्लिक करना है। तो पहला आपके दिया हुआ है कीपिंग द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, तो यह जो है आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो यह जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। कंप्लीट क्लास वर्क होमवर्क इन टाइम, आप क्लास का होमवर्क और आपकी फैमिली सहायता करती है, तो बिल्कुल सही है। और प्लेइंग ऑल टाइम, क्या आप पूरे टाइम खेलते हो, यह गलत है। और ओबेइंग ऑल द एल्डर्स, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हो, तो यह भी आपके सही है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको जो है यह जो नीचे दिए हुए जो बॉक्स के अंदर दिए हुए जो सेंटेंस है, यह आपको ऊपर जो है फिल करना है। उसके पश्चात नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे राइट द नेम्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स जो सभी मेंबर्स हैं उनके नेम लिखना है। आल्सो राइट व्हाट यू कॉल देम,
और उन्हें आप क्या कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि जिस प्रकार से मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ कि आपकी सिस्टर का नाम, जिस प्रकार से अगर सिस्टर का नाम आपके सरिता है, SARITA, सरिता है, शी इज, आपके वो क्या लगती है। तो जैसे आप बॉयज हैं तो ही इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, तो आप लिखोगे सिस्टर। या अगर छोटी सिस्टर है तो आप लिखोगे यंगर सिस्टर, तो यहाँ लिखोगे आप माई सिस्टर, SISTER, सिस्टर, बहन है। और ही कॉल हर सिस्टर, आप उसे क्या कहते हैं, तो आप उसे कहते हैं बहन। तो बहन कहने के लिए क्या लिखोगे आप, सिस्टर, SISTER, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार से आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं उन सबके नेम आपके वो क्या कहते हैं और उन्हें आप क्या बोलते हो, ये आपको यहाँ पर फील करना है। उसके पश्चात नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, माई होम। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।